अमित शाह ने दादरी में किया प्रचार, लगा कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दादरी गौतम बुद्ध नगर में घर घर जाकर प्रचार किया। इस बीच गृह मंत्री बिना मास्क और भीड़ के साथ नजर आए, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रतिक्रिया दी है। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में थूक लगाकर पर्चे कौन बांटता है, इस पर मीडिया की हैसियत है बोलने की। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने तंज के रूप में कहा, कोरोना खुश हुआ। एक अन्य यूजर ने कहा, एक तो मास्क नहीं दूसरा कागज पर थूक लगा रहा थूक जिहाद। ट्विटर यूजर सीपी सिंह ने कहा, थूक लगाकर पर्चे कौन बांटता है भाई, वो भी कोविड के दौर में। वहीं एक अन्य यूजर पिंकी राजपूत लिखती हैं, ये लो 15 लाख के चेक, तुम लो तुम भी लो, ओ नीली कोट तुम भी लो। एक अन्य यूजर ने आरोप लगाते हुए कहा, ये देख लो इनके लिए तो कोई कोरोना प्रोटोकॉल ही नहीं है, ये संविधान के अधीन ही नहीं है। टीचर्स को पीटा जाता है कोविड में पढ़ाने पर और इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के लिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।